कनीजा जहरा, इस माह मुहर्रम का पहला अशरा अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है और परवरदिगार का हम शुक्र अदा करते हैं कि हमसे जितना हो सका हमने कोशिश करी है। बस हमसे यही दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमारी टूटी फूटी इबादतों को, हमारी इन कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल कर पाए। सबसे बखील वो है जो दुआ मांगे और कोई आमीन ना करे। अशरा तो सिर्फ अशरा इख्तिताम पर आया है, कभी अलविदा ना कहिए, क्योंकि आजादारी को कभी अलविदा नहीं कह सकते। ये वो इबादत है कि जिसको जिंदगी में कभी अलविदा ना कहिए। मैंने आज भी उसी आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया है जो मैंने पिछली मजलिस में किया था। ये अय्याम जो है बेसिकली अय्याम जिसको मैं कहना चाहूंगी, ये अय्याम ज़ैनबिया कहना बाद आशूर अय्याम ज़ैनबिया शुरू हो जाते हैं और बाद शाम लिखाई अय्याम सज्जादिया शुरू हो जाते हैं। तो ये ज़ैनबिया क्यों कहलाते हैं, हम सभी वाकिफ हैं इस बात से क्यों ज़ैनबिया। इरशाद इलाही, अल्लाह के नज़दीक तरीन, नज़दीक बदतरीन जमीन पर चलने वाले वो बहरे और गूंगे हैं जो अक्ल का या इस्तदलाल का इस्तेमाल नहीं करते। आप सभी लोग वाकिफ हैं कि ज़ैनब कुबरा का एक लकब है अकीला बनी हाशिम। इस लकब पे जरा गौर फरमाइएगा, जहां मदीनतुल इल्म भी मौजूद था, जहां बाबुल इल्म भी मौजूद था, जहां जहरा जैसी मादर भी मौजूद थी, उसके बावजूद ये लकब दिया गया ज़ैनब कुबरा को अकीला बनी हाशिम, बनी हाशिम की अकी। हुसैन ने तमाम अंबिया की मेहनतों को बचा लिया। बारिसुल अंबिया हैं आप, आदम से लेके हाथ, और हुसैन की तमाम कुर्बानी और मेहनत को बचाने वाली है ये अकीला बनी हाशिम। क्यों इनको कहा गया है ये हमें आज थोड़ा गौर फरमाना है इस बात पे, क्या कमाल इस अकल ने किया। अगर ये अकल ना होती आज हम तक करबला नहीं पहुंच सकते। रसूल कायनात की शहादत किस तरह से हुई है इस बात को छुपा दिया गया, अक्सरियत नहीं जानती और अक्सर को लोग बयान भी नहीं कर सकते हैं खुल के, उन नामों को नहीं लेना चाहते हैं खुल के, मजबूरी। शहजादी की शहादत को छुपा दिया गया जबकि तारीख में एक एक नाम मौजूद है हर जगह, कौन कौन कितने लोग दरवाजे पर आए थे, किस तरह दरवाजा जलाया गया, तारीख में हर एक चीज मौजूद। मौला अली की शहादत में भी गड़बड़ कर दी गई, इतने मुलजिम को खारजी बता दिया गया, उसकी सही हकीकत नहीं बयान करते कि कहां से आया था, कैसे हुआ ये सारा काम, और इमाम हसन की शहादत को भी छुपा दिया। लेकिन ये अज़्म ज़ैनब का कमाल है, इसने ये अहद करके चली थी अपने घर से करबला को नहीं छुपने दूंगी। इमाम जाफर सादिक से किसी ने सवाल करा कि आप मुहर्रम किस तरह क्यों मनाते हैं, आपने जवाब दिया क्योंकि तुमने गदीर को छुपा दिया, हम करबला को नहीं छुपने देंगे इसलिए हम छुप सकते। तो ये करबला हम तक पहुंचाने वाली शहजादी ज़ैनब कुबरा का एहसान है। शब जुमा तमाम अंबिया सब जानते हैं सैयद शहदा की ज्यारत के लिए आते हैं, अदर हुसैन भी आते हैं, रसूलुल्लाह भी तशरीफ लाते हैं, इमाम अली सभी लोग आते हैं, तमाम अय्यमा आते हैं, तमाम अंबिया आते हैं शब जुमा, आपको सब करबला में। जब आप सब लोग सैयद शहदा से सलाम ज़ियारत कर लेते हैं तो सैयद शहदा आपसे इजाजत मांगते हैं, या रसूलल्लाह अब आप मुझे इजाजत दें, मैं जाना चाहता हूँ। कहाँ जाना चाहता हूँ, मैं उस बीबी के दर पे जाना चाहता हूँ जिसने मुझे बचाया। सैयद शहदा फिर वहां से शाम के लिए तशरीफ ले जाते हैं, ये हर शब जुमा कर वो उनका शुक्र अदा कर देते हैं।
ارشاد الہی جو اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے وہ سب سے بدتر ہیں. کربلا کے بعد بھی اگر کسی کو حقیقی اسلام نظر نہ آئے تو اس کی عقل پہ حقیقت پتھر پڑے, وہ اپنی عقل کا واقعی استعمال نہیں کر رہے. ماہ رمضان, شہر رمضان ہے نزول قرآن کا مہینہ, سب جانتے ہیں. ماہ محرم ہے حفاظت قرآن کا مہینہ. اگر حسین نہ ہوتے نہ ہم تک یہ قرآن پہنچنا تھا, نہ ہم تک یہ دین پہنچنا تھا, نہ نام رسول اللہ زندہ رہنا تھا. بعد رسول تمام تر کوششیں ہو چکی تھی کہ اسلام کو کسی طرح سے مٹا دیا جائے. جو وہ لڑ کر نہیں مٹا پا رہے تھے وہ اسلام کے اندر گھس کر کوششیں کی جا رہی تھیں. کیا منافقین ختم ہو گئے تھے؟ قرآن میں جگہ جگہ منافقین کا ذکر آیا, منافقوں کی صفت بتائی گئی. پہچانیے, پہچانے کا وہی جو اپنی عقل کا استعمال کر رہا تھا. ان کی پوری کوشش تھی کہ کسی طریقے سے اس کو اسلام کو, دین کو مٹا دیا جائے, محمد کا نام مٹا دیا جائے. یہ حدیث اہل سنت کی کتاب میں بھی موجود ہے کہ رسول اللہ نے صاف صاف فرمایا ہے کہ میرے بعد ابو سفیان کی نسل سے باقاعدہ نام لیا ہے آپ نے کہ یزید نام کا شخص پیدا ہوگا جو اسلام کی کشتی میں ایک چھید کر دے گا, اس چھید اس طرح سے کرے گا کہ وہ بھر نہیں پائے گا. اور وہ ہمارے سامنے صاف صاف ظاہر ہے. اور اس کی صفت کیا بتائی تھی کہ وہ تک کیوں ہوگا؟ کیونکہ ایک بندر صفت کو میرے ممبر پہ بٹھا دیا جائے گا. اس کی یہ صفت بھی رسول اللہ نے بیان کی. یہ اس لیے ہوگا جب ممبر پہ اس طرح کے لوگ آ جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر کس کا کیا اسلام. اب کربلا نے کرا کیا ہے؟ پہلے تو کوشش یہ ہو رہی تھی کہ کسی طریقے سے نام کو مٹا ہی دیا جائے. کوئی اسلام آیا ہی نہیں, کوئی دین آیا ہی نہیں, کوئی رسول آیا ہی نہیں. ایسی تاریخ میں آپ کو بہت سے واقعات ملیں گے, بہت سے ریولیوشن ہوئے جن کا نام بھی ہم نہیں جانتے ہوں گے. آج بہت سے لیڈر پیدا ہوئے جنہوں نے کافی کوششیں کری اپنے 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 دور میں, مگر ان کا نام بھی آج کسی کو نہیں معلوم ہوگا. تو یہی کوشش رسول کے ساتھ کی گئی کہ یہی کیا جائے ان کے ساتھ. اسی لیے حکومت کو اپنے ہاتھ میں لینا کی کوشش پوری کی گئی کہ حکومت ہاتھ میں آ جاتی ہے تو سب کچھ کر لے سکتے ہیں آپ. ہم اپنے اس ملک میں بھی یہ چیز دیکھ رہے ہیں, اس طرح ہسٹری کو بدلا جا رہا ہے. یہ تو سب کو سمجھ میں آ جاتا ہے, آر ایس ایس والے مودی اور میں کیا کیا کر رہے ہیں, لوگ کیا کیا کر رہے ہیں, مگر پھر بھی کربلا سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہاں کیا ہوا. وہاں بھی تو یہی سب چیزیں تھیں. آج کی سیاست سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ وہ سیاست سمجھ میں نہیں آتی. یہ ہے عقل کے پتھر پڑ جانا کہ آپ اس کو نہیں سمجھ رہے. یہ آج کے لوگوں نے سیاست سیکھی کہاں سے؟ پولیٹیکل سائنس کو سبجیکٹ بنا دیا ہے, علم بنا دیا ہے. پولیٹکس کوئی علم نہیں ہے. اور میں یہ کہتی ہوں کہ پولیٹیکل سائنس میں کبھی کوئی کورس نہ کرے. آپ تاریخ اٹھا لیجئے, بنو امیہ کی تاریخ پڑھ لیجئے, بنو عباس کی تاریخ پڑھ لیجئے, آپ دنیا کی ہر سیاست سمجھ سکتے ہیں. آپ کو وہ سمجھ میں آ گئی, آپ کو دنیا کی ہر سیاست سمجھ میں آ گئی, آپ سیاست میں پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں. مگر اسلام میں سیاست نہیں, سیاست میں ظلم ہوتا ہے. اسلام میں کیا چیز ہے؟ اسلام میں حکمت ہے. اسلام سیاست سے کام نہیں لیتا, اسلام حکمت سے کام لیتا. حکمت اور اسلام میں یہی دونوں چیز. سیاست آپ نے دیکھی ہے, بادشاہ اپنی اولادوں کو مروا دیتے ہیں, اولادیں اپنے ماں باپ کو مروا دیتی. کس کے خاطر؟ تخت کے خاطر, حکومت کے خاطر. اور یہ حکمت میں نہیں ہوتا, حکمت میں ظلم نہیں ہوتا, سیاست میں ظلم ہوتا. ایک سو بات پڑھتی سید الشہداء کی حدیث ہے, عقل اپنی تکمیل کو پہنچتی ہے تب جب سچ کی تابے داری کرے, حق کی تابے داری. یہ آپ نے کب فرمایا؟ معاویہ نے امام حسین کو بہکانے کی کوشش کری, امام حسین اس وقت موجود تھے اس ٹائم. تب آپ نے جواباً یہ دیا ان کو تاکہ تھوڑی سی تاکید کی جا سکے, شاید کوئی بات سمجھ میں آ جائے. آپ نے جواب میں یہ جملہ بولا کہ عقل کی تکمیل تب ہوتی ہے جب سچ کی تابے داری کی جائے, حق کی تابے داری کی جائے. اور معاویہ کو کہنا پڑا تمہارے سینے میں اس کے سوا کچھ نہیں, یعنی اہل بیت کے سینے میں حق اور سچ کے سوا کچھ ہے ہی نہیں, اس کو بھی کہنا پڑا. جانتے سب تھے, پیروی کرنا مشکل, معلوم تو سب کو تھا, پیروی کرنا مشکل.
का एक लकब हम सब जानते हैं, सानिया जहरा, मगर आपकी जब विलादत हुई है तो रसूलुल्लाह ने आपको कहा है सानिया खदीजतुल कुबरा। जब मदीने में आप तशरीफ लेकर आए थे और मदीने में हर कोई सुनता रहता था, रसूलुल्लाह आप हमेशा फरमाते रहते थे शहजादी खदीजतुल कुबरा की तारीफ बयान करते रहते थे, सब लोग जानते थे कि मुसलमान पले ही बीबी की दौलत से, मस्जिद नबी भी बनी हुई बीबी की दौलत से, तो हर कोई ये तशवीश में रहता था कि आखिर वो थी कैसे। तो जब शहजादी ज़ैनब कुबरा पैदा हुई है तो रसूलुल्लाह ने फरमाया आज सानिया खदीजतुल कुबरा पैदा हुई है, जिसको देखना हो खदीजा कैसी थी वो ज़ैनब हो जाती थी। और सिर्फ देखने में नहीं थी, अब उनकी जिंदगी में भी बहुत मुआसलत है। इस तरह से थी जिस तरह खदीजतुल कुबरा ने अपनी सारी जिंदगी ऐशो आराम में गुजारी थी, सब जानते कितनी दौलतमंद मलिकतुल अरब कहलाती थी आपको, कितनी दौलतमंद थी। मगर शादी के बाद, ऐलान नबूवत के बाद आपने जो जिंदगी गुजारी है उससे भी हम सब शेबी अबू तालिब में फाते कर करके उनकी क्या हालत हो गई, इस हाल में आप इंतकाल फरमा रहे, एक कफन भी नसीब नहीं हुआ, लोगों ने कफन भी नहीं किया, वो हाल हुआ, घास खाकर गुजारा किया है। यही हालात आपको ज़ैनब कुबरा के मिलेंगे। आपके शौहर हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार अरब के सबसे बड़े ताजिर थे, सबसे बड़े बिजनेसमैन, कितने बड़े बिजनेसमैन, वहां की हुकूमत आपसे लोन लिया करती थी, ये उनका मर्तबा था, ये उनका बिजनेस था, उनकी दौलत का ये आलम था जो रसूलुल्लाह की दुआ से उनको मिला था। ये इसमें खदीजतुल कुबरा ने अपनी जिंदगी गुजारी है। मगर बाद कर्बला बीबी की क्या हालत थी वो हम सब जानते हैं। तो ये दोनों मुमासलत हैं, नानी और नवासी, इसलिए भी शायद रसूलुल्लाह ने आपको खदीजतुल कुबरा कहा। अकल जो होती है हमेशा तकमील को पहुंचेगी आपके इल्म के बाद और आपके एक्सपीरियंस की वजह से। आपकी नॉलेज होनी चाहिए, आपके एक्सपीरियंस होना चाहिए, तजुर्बा नहीं होगा तो भी आपकी अकल कभी इंक्रीज नहीं है। इल्म के साथ साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है, नॉलेज सिर्फ काफी नहीं होती, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी जरूरी है, तभी आपकी अकल में इजाफा होगा। ये कौल है मौला अली का। तो कर्बला हमें समझा क्या रही है कि वो हमसे किस तरह का मुसलमान चाहते हैं, अल्लाह ताला हमसे किस तरह का मुसलमान बनाना चाहते हैं। एक तरफ क्या थे, एक तरफ आप नमाजी भी हो, दूसरी तरफ आप गाजी भी हो, एक तरफ रोजेदार भी हो, दूसरी तरफ आप रिज्म खुददार भी हो। कर्बला वालों ने पानी का सवाल किया है, कहीं खाने का सवाल नहीं था। पानी हर एक का बुनियादी हक है, सब जानते हैं 70% बॉडी और 70% हर्ट जो है पानी से फल रही है, उसमें पानी ही पानी। क्या वो भूखे नहीं थे कर्बला वाले, उनको बस खाना आ रहा था, कहीं से नहीं आ रहा था, मगर खाने का सवाल नहीं, क्योंकि पानी मांगना हक है, खाना मांगना भी है। तो रिस्क में आपको खुददार होना चाहिए, मुसलमान के दूसरी तरफ आपको कैसा होना चाहिए, आपको हाजी है एक तरफ, हाजी को बड़ी इज्जत दी जाती है, मगर अल्लाह की खातिर आपको जिल्लत के झेलने के लिए भी तैयार है। मुझे एक जवाब देंगे, जिसके एक अस्कुत पे सारी कायनात खामोश हो गई, क्या उसको अजगैब से चादर नहीं आ सकती थी, क्या वो कहती तो चादर नहीं आती, अल्लाह ताला चादर दे नहीं सकता था क्या उसको, जिसके नमाजों के लिए जन्नत से कपड़े आया करते थे, चादर भी आ सकती थी, मगर क्यों इस जिल्लत को बर्दाश्त कर रही, इस जिल्लत को सारे रास्ते बर्दाश्त किया, क्यों आप हर जगह चादर मांगती रही है। इम्तिहान उनके सब्र का तो था, मगर जिस जिस गली से गुजरी हैं, जिस जिस मोहल्ले से गुजरी हैं, उनका भी तो इम्तिहान होना है, इनमें से चादर देता कौन है, सुनता कौन है, ये भी तो आजमाना जाना है। मुसलमानों की बस्ती से जब गुजारा गया तो क्या मनादी करते हुए चल रहे थे वो, जब मुसलमानों की बस्ती से गुजरते थे तो मनादी होती थी, जिस जिसको अली से अपना बदला लेना हो तो आज अली की बेटियां आ गई हैं, जिसके हाथ में पत्थर आ जाए वो पत्थर मारे, जिसके हाथ में जो आ जाए वो उठा के मार ले और अपने बदले ले।
और जब गैर मुस्लिमों की बस्ती से ले जाते थे तो क्या कहते थे, ताकि कोई पहचाने ना कौन है, ऐलान करते थे बागी की बहने आ रही हैं। ये जिल्लत दे देनी चाहिए किसी खातिर से, मेरा जायदा भी है। इस तरह का मुसलमान कभी बिना इल्म के नहीं बन सकता। इल्म आपको हर तरह का आना चाहिए, और यही वजह कि कुरान में अल्लाह ताला ने हर तरह का इल्म रखा है। जहाँ तारीख भी बयान कर रहा है तो वहां साइंस भी बयान कर रहा है, वहां फिलोसफी भी बयान कर रही है, वहां हर चीज बयान कर रही है। आपको स्पेस का इल्म भी दिया जा रहा है, आपको नबतात और सरातात का भी, सबका भी आपको इल्म दिया जा रहा है। इसलिए दिया जा रहा है कि आपको हर चीज का इल्म होगा, तभी आप तागूत पे फतह याब होंगे, वरना आप पता नहीं पा सकते। आज आपके दुश्मन कैसे हैं, चाहे आप इसराइल लीजिए, कुछ भी लीजिए, आज स्पेस की भी जंग हो रही है, हर चीज की फाइट हो रही है, कम्युनिकेशन सिस्टम में भी फाइट हो रही है, आपके जो वेपन्स बन रहे हैं वो किस तरह के बन रहे हैं। अगर आपके पास ये इल्म नहीं होगा तो कैसे आप उससे लड़ेंगे? दुश्मन से लड़ने के लिए आपको हर इल्म की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए रसूलुल्लाह ने अपने आप को शहर इल्म कहा, शहर में हर चीज दस्तयाब होती है। एक जुमला हम सब फरमाते हैं, खुदा किसी को कोई गम ना दे सिवाय गमे हुसैन। इस पे कभी गौर किया है? ऐसा मुमकिन है कि आपको कोई गम ना हो? हर किसी के साथ कोई ना कोई गम लगा हुआ, तो फिर ये जुमला कब साबित हो सकता है? कोई गम ना हो सिवाय गमे हुसैन, काश ये सबके साथ हो, मगर ये हो कब सकता है? अगर आप हकीकी अज़ादार हैं तो गमे हुसैन को इस तरह से अपनी जिंदगी में अपनाएंगे कि आपको अपना हर गम छोटा लगे। उनकी जिंदगियों से हमें सीखना, उन्होंने क्या क्या बर्दाश्त, हम बहुत आसानी से कह दें बहुत बर्दाश्त कर लेते हैं। एक जुमला भी बहुत हमारे कनिजाने ज़हरा फरमाती है, किसी की तरफ मैं कोई वो नहीं कर रही हूँ तंगी, मगर एक जनरली तौर पे बहुत सुनने में आता है, मैं सिर्फ इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि जिस जगह मुझे अहले बैत ने बैठा दिया है तो एक जिम्मेदारी भी बनती है। मैं उससे सवाल होगा, आपसे तो इंडिविजुअली सवाल होगा, हम लगा मेरे जैसे कम इल्मज़ाकरीन से और उल्मा जो यहाँ बैठते हैं उनसे सवाल जरूर होगा कि जब माशरे में आप मौजूद थे, आपको एक मौका मिल रहा था, तो आपने क्यों नहीं अपनी कोशिश करी? तो एक जुमला कनीज़ा ने जहरा जो फरमाती है, क्या फरमाती है, अगर किसी के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी हो जाती है, कुछ उनकी हक तल्फी हो जाती है, कोई करता है, तो कहती है हम माफ नहीं करेंगे क्योंकि जहरा ने फदक के चोरों को माफ नहीं किया। बेशक जहरा ने फदक के चोरों को माफ नहीं किया, वासिबीन को माफ नहीं करा, मगर मुझे बताएंगे क्या जहरा वाकई फदक के लिए गई थी? वो शहजादी कौन है जो सारी कायनात को पाल दे, जिसके सदके में सारी कायनात पाल रही है, क्या फदक के लिए कितनी अहमियत थी उनकी नजर में? फदक के लिए नहीं गई थी वो, तो तारीख में उस वाकये को रकम कराने के लिए गई थी ताकि लिख जाए कि हक था, और जिनको छुपाया जाएगा उनको एक्सपोज करना। अगर हिस्ट्री में ना लिखा जाता तो लोग कहते हक था ही नहीं। दूसरा, औरतों को ये एहसास दिलाना था कि अपना हक जरूर मांगना, अपने हक के लिए जरूर खड़ा होना, और एक अदालत का निजाम बताना था बीबी को, जो इस्लाम में अब तक सही से बैठा नहीं था उनके जहनों में, वो अदालत का निजाम बीबी ने बनवाया था, एक एक चीज शरीयत की लिखवा दी बीबी ने। अगर बीबी ने हक ना मांगा होता तो बेटियों का हक शरीयत में नहीं होता आज, ये बीबी का एहसान है। और तीसरी बात, जो फदक के गासिबीन थे, जो फदक के चोर थे, हमेशा याद रखिएगा वो मोमिन नहीं थे, वो शियाने अली नहीं थे, मगर हमारे साथ जो इन नाइंसाफियां करते हैं अक्सर कर वो हमारे अपने अजीज होते हैं। बस इतना होता है कि दौलत का नशा कुछ ज्यादा चढ़ जाता है, तो इस तरह की बेवकूफियां कर बैठती हैं। तो कभी अगर आप चलिए नहीं माफ कर सकते, आपका दिल बहुत दुखी है, मत कीजिए आप माफ, मगर कम से कम इतना जरूर कीजिए, अपने आप को कनीज़ाने ज़हरा कहलाते हैं तो साबित कीजिए, कहिए कि बीबी हम तो माफ नहीं कर पा रहे, मगर हमने फैसला आप पर छोड़ा है, ये आपके शिया हैं, ये हुसैन के आज़ादार हैं, आप जो चाहे कीजिए, आप चाहती हम माफ करें हम माफ करेंगे, आप चाहती सजा दीजिए।
मैं आज ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, बस यही है कि हमारे अंदर एक आजादारी जो है वो रस्मी नहीं होनी चाहिए। और कभी कभी आपको हकीकी आजादार को पहचानना हो तो कभी अपनी मजलिसों में 1-2 रुपए या 5 रुपए का तबर्रुक बांट के देखिए, और ये देखिएगा जो खुशी खुशी उस तबर्रुक को लेकर चला जाए वो तो वाकई आया था पुरसा देने के लिए, और जिसका मुंह बन जाए तो फिर वो रस्म और बेबी जाने और उनका पहुंचा। मगर ये हमारे अंदर एक चीज हमें रसूलल्लाह की हदीस है, सबसे अकलमंद शख्स वो है जो अपना इंट्रोस्पेक्शन करता रहे, अपना तजिया खुद करता रहे। हमें देखना पड़ेगा अपने अंदर बार बार झांक झांक के कि हम किस तरफ जा रहे हैं, कहीं हमारा हाल वो तो नहीं हो रहा है कि जैसे दावत जुल अशीरा में तो 3 दिन तक पेट भर के खाना खाया था तो सबको याद रही वो दावत जुल अशीरा, मगर गदीर में अल्लाह रसूलल्लाह ने खाना नहीं रखा तो वो भूल गए। तो कहीं हमारा हाल तो वो नहीं हो रहा, ये हमें देखने की जरूरत। और बस मैं एक इतनी सी रिपोर्ट और जरूर करूंगी जो सिर्फ मैंने यहाँ पे देखा, मैंने और जगह नहीं देखा है कि आप लोग माशाल्लाह सब लोग यूपी से हैं, सादात गांव से भी ताल्लुक है सबका, तो आप लोगों की यहाँ सबने भी देखा होगा शाम गरीबा में कभी तबाहत नहीं बढ़ता, मगर यहाँ पे मैंने देखा बैठा। मैं ये नहीं कह रही ठीक है, बस ज्यादातर होता क्या है क्योंकि उनके यहाँ होता है सब बांटते होली कर रहे हैं, मगर सबके करने से कभी कोई काम सही नहीं होता। जो चीज आपके बुजुर्गों ने आप तक पहुंचाई है हकीकत में उस चीज को आपको पकड़ के रखना चाहिए, उसको मत बदलिए। शाम गरीबा वो शाम है कि आज उन माओ के बेटे, उनके पूरे घर, उनकी मांगे उजड़ गई, उनकी बोधे उजड़ गई। आप एक दिन तो कम से कम सिर्फ ये बताइए बीबी को, आज हम तबर्रुक खुलेंगे, आज हम खाली पुरसे के लिए आए, उस वक्त में कम से कम तबर्रुक खुलेंगे ताकि बीबी को भी एहसास हो कि ये हकीकी में ऐसा था। सलाम है माओं को जिन्होंने ऐसी औलाद और औरत की अजमत है ही इसी बात से कि उसको जो जिम्मेदारी दी गई है वो तरबियत औलाद की जिम्मेदारी दी गई। औरत इतना मुश्किल काम करती है कि जिसको कोई नहीं कर सकता। टोनी ब्लेयर जैसा जो उस वक्त इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था, उसके लड़के को रात में पकड़ लिया गया शराब पी के, वो लोगों लड़कों के दोस्तों के साथ ड्राइव कर रहा था और उसने किसी पे गाड़ी चला, वो गिरफ्तार हो गया। जाहिर सी बात है उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर था तो खबर तो एकदम हाईलाइट हो ही जानी है फौरन सुबह। अब उसको मालूम था कि सुबह तक तो हंगामा हो जाएगा पार्लियामेंट में, उससे सवाल होंगे, सब कुछ होगा। आते ही सबसे पहले उसने क्या काम करा, अपने स्पीकर पे गया, उसने फौरन ही अपना बयान शुरू किया। उसने क्या कहा, उसने कहा कि आज मुझे ये समझ में आया है कि मुल्क चलाना आसान है, औलाद की तरबियत करना मुश्किल। ये काम करती है औरत, और हम इन औरतों को कुछ नहीं समझते। जो औरतें घर में रहती हैं उनको हम अक्सर कर कुछ नहीं समझते। आज हमारी नजर में क्या है, जो वर्किंग प्रोफेशनल है आज उनकी बड़ी इज्जत नहीं। आपको काम करना चाहिए, मैं ये नहीं कहती नहीं करना चाहिए, मकसद क्या है, मकसद पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने अपनी औलाद को इग्नोर कर दिया और आप निकले नहीं है घर से बाहर, ये नहीं होना चाहिए। आप वो भी कीजिए, आप ये भी कीजिए, क्योंकि जब तक आप दुनिया को नहीं समझेंगे तो आप अपनी औलाद को भी सही से तरबियत नहीं कर पाएंगे। तो दुनिया भी आपको देखनी पड़ेगी, दुनिया का इल्म भी आपके पास होना चाहिए, मगर जिस चीज को हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे हैं वो हमें खत्म करना पड़ेगा। जो इज्जत हम देते हैं या तो पैसे वालों को मिल रही है या जिनकी शोबादियां ज्यादा हो रही है उनको ज्यादा मिलती है। ये इस्लाम बताता है, ना कुरान बताता है, जिसके अंदर जितना सब्र होगा उतना ही उसके पास इल्म होगा, और जिसके पास जितना इल्म होगा वो उतना ही सादा शख्स होगा। जब जिक्र हो गया शाम गरीबा का, शाम गरीबा क्या शाम गरीबा, तो शाम गरीबा तो पता नहीं है गरीबों की रात, मगर असल में वो शाम वहशत है। हम लोग तो आपस में बैठ के गिरिया कर लेते हैं, जमा हो जाते हैं, तो
कभी आपने उस जमाने के इमाम से भी पूछा है मौला क्या हाल है? अरे वो जमाने का इमाम कहता है वो किस तरह से टूट के पड़े थे उन बेगोरों कफन लाशों पे, जिस तरह से भेड़िए शिकारों पे टूट पड़ते, इधर के घोड़े इधर और उधर के घोड़े इधर दौड़ा दिए। अब सफर शाम शुरू करते हैं, और जब सफर शाम शुरू हो रहा है तो बीवियों के हाथ बांधे जा रहे हैं, और जिनके हाथ नहीं बन पा रहे थे तो रस्सियों से उनके गले बांधे, छोटी छोटी बच्चियां, छोटी सी सानिया से किस आलम में इनको ले जाया जा रहा है। ये बीबी फैजल कुबरा, जिसको सानिया फैजल कुबरा कहा गया है, ये बीबी जब मदीने से चली थी तो इसका सफर कैसे शुरू हुआ था, कभी आप पढ़िए उसको, किस तरीके से आपको ले जाया गया था। जैसे ही सानिया जहरा की आमद हुई, इमाम हुसैन ने फौरन कॉल पुकारा, अली अकबर आइए, अब्बास आओ। बनी हाशिम के लड़कों ने दरवाजे से लेके दूर तक महमिल तक जहां खड़ी थी वहां तक पूरी कतारें लगा ली और पर्दा कर दिया। इस बीबी का एक बाल भी कोई नहीं देख सकता, बाल तो दूर है, कदमों के निशान भी कोई नहीं देख सकता। और आप जब महमिल पे सवार हैं तो एक तरफ से अली अकबर ने अपना हाथ रखा, दूसरी तरफ से अब्बास ने अपना हाथ रखा, आपने उनके हाथों पे पैर रख कर तब आप सवार। और आज जब शाम गरीबा के बाद आप यहाँ से रवाना हो रही हैं सफर के लिए, तो आज क्या आलम, आज सिर्फ रस्सियों से हाथ बंधे नहीं हैं। किस तरह बंधे हैं? यूं बंधे हैं, गर्दन के पीछे। ये भूखी प्यासी बीवियां गर्दन के पीछे इनके हाथों को बांध दिया गया। गर्दन के पीछे इनके हाथों को बांध दिया गया है। और जब सवार कराया जा रहा है इनके नाके पे, तो नाकों पे महमिल नहीं है, हमारी नहीं है, ये नाके नंगे हैं। कभी आप ऊंट पर बैठे हो तो आपको पता चले कि ऊंट पे बैठने के बाद इंसान का जिस्म किस तरह से पूरी अंदर से हिल जाता है। और ये भूखी प्यासी बीवियां, कितने रोज से इन्होंने खाना नहीं खाया है, कितने रोज से इन्होंने पानी नहीं पिया, इनका क्या आलम हुआ होगा, आप उसका अंदाजा ही नहीं कर पाएंगे। और उस पर जुल्म क्या करा है? अरे वो नन्ही सी सकीना को अकेले नंगे नाके पे बिठा दिया है। बीबी जैनब कहती रही उनसे, जालिम इसे मुझे दे दे, इसे मुझसे दूर ना कर। बीबी को सकीना नहीं दी गई, नंगे नाके पे अकेले तनहा बिठा दिया गया, और उस पर फिर ये सितम किया है। शिब्र ने बोला वहां से लेके चलो जहां से बेगौरों कफन लाशें पड़े हुए हैं। अब जरा आलम आप सोचिएगा, वहां से किस तरह निकली हैं ये बीवियां, किस तरह निकली होंगी अपने भाइयों को अपने औलादों को इस हाल में देखते हुए। इन बीवियों का आलम क्या है? नंगे नाके से बीवी सकीना बार बार गिरती है और उठती है, और जैसी बीवी सकीना गिरती है वैसे ही जैनब अपने आप को गिरा देती है। मुझे ये बताइएगा, हाथ पीछे बंधे हुए थे, बीवी मुंह के बल गिरी थी या पीठ के बल गिरी थी? अरे अब्बास के भी बिना हाथ गिरे थे, वो जब घोड़े से जमीन पर आए थे। बीबी ने भी अपने भाई की तरह अपने जुल्म को सहा है, बीबी किस तरह गिरी है? जिस वक्त पानी आया है करबला में, होती जोजा पानी लेकर आई थी तो बीबी पानी नहीं पी रही थी। सैयद सज्जाद ने फिर बोला, अम्मा आप क्यों नहीं पानी पी? मैं पानी नहीं पीऊंगी, मेरा भाई प्यासा चला गया है, मेरा अली असगर प्यासा चला गया है, मैं पानी नहीं पीऊंगी। उस वक्त सैयद सज्जाद ने इशारा किया कि जरा फूफी अम्मा ऊपर देखी, ऊपर का आलम अब जो बीबी ने देखा है तो क्या देखती है, हुसैन के लिए सब पानी लिए खड़े हैं। बीबी जहरा भी खड़ी है, मौला अली भी खड़े हैं, इमाम हसन भी खड़े हैं, रसूलुल्लाह भी खड़े हैं, हुसैन पानी नहीं पी रहे हैं, हुसैन करबला की जमीन की तरफ देख रहे हैं, अभी तक जैनब ने पानी नहीं पिया है। सैयद सज्जाद ने फरमाया, फूफी अम्मा पानी नहीं पियोगी तो बाबा भी पानी नहीं पियेंगे वहां। उस वक्त जैनब ने एक बूंद पानी अपने हाथ में डाला है। ये आलम हुआ है इन बीबियों का। एक रोज मौला अली जब उस वक्त अपने दौरे खिलाफत में बीबी को कूफे की सैर करा, मौला ने नाते पे सवार किया, आपको मिलमिल में आप बैठी हुई थी, और मौला बताते जाते थे, जैनब देखो ये दाग नमाजा है, ये कचहरी है, ये बाजार है। बीबी ने कहा, बाबा ये क्या, ये तो सब चीजें बेटों को दिखाई जाती है, बेटियों को क्यों बता रहे हैं आप?
फरमाया मौला ने, जैनब एक वो रोज आना है, मेरे बेटे नहीं रहेंगे, तुम्हें एक एक गली कूचे से यहाँ से निकाला जाएगा। आए वो शर्म की बाहया बीबी, क्या आलम उसका हुआ होगा। बादे मौला अली जब बीबियां कुरान पढ़ने आया करती थी कूफे की औरत से बीबी से, तो अक्सर कर आप अपने बालों को खोल दिया करती थी उनके सामने और कहती थी कूफे की औरतों मुझे पहचान लो, एक रोज मैं इस हाल में भी आऊंगी तो उस दिन मुझे ये ना कहना कि हमने पहचाना नहीं था। वो इस तरीके से हाय तौबा करते हुए मौलिया के घर से निकलती थी कि उसका आलम ही कुछ और होता था। और आज वो दिन आ गया है, आज कूफे की गलियों से निकाला जा रहा है, कूफे की गलियों से निकाला जा रहा है। तो मुनादी की जा रही है, अली की बेटियां आई हैं अपने बदले ले लो, अरे अली की बेटियां आई हैं अपने बदले ले लो, जिस जिसका कोई हसरत रह गई उसे निकाल ले, उनकी भी उनकी हसरत पूरी नहीं हुई। ना अली को शहादत पे शहीद करके उनकी हसरत पूरी हुई, या ना हसरत पे शहीद करके उनकी हसरत पूरी हुई। कोई घर ना बचा होगा, कोई जगह ना बची होगी, ऐसे में क्या आलम था। एक नन्ही सी बच्ची बार बार अलतश कहे जा रही थी, एक बुढ़िया, एक ज़ईफ़ा, उसने देखा कि ये बच्ची बार बार पानी मांग रही है, उसने पानी लेकर आई और पानी दिया, और पानी देने के बाद कहती है ये बीबी आप लोग कहाँ से आई हो। आपने कहा मदीने से। बोला कि अच्छा, मदीने में मेरी शहजादी जहरा की बेटियां हैं, मेरी शहजादियां हैं ज़ैनब, आपको उनका हाल मालूम है। अरे ज़ैनब का ये सुनना था, कहती थी आज आपने पहचाना नहीं है ज़ैनब को। अरे ज़ैनब चली थी तो जवान थी, और इस वक्त इस कदर ज़ईफ़ हो गई है कि अब लोगों के पहचान में नहीं आती है। लोगों ने जो हंगामा बर्पा कर रखा था उस वक्त कूफे में भी, ज़ैनब ने एक दफा बोला अस्कुत शट अप, उस अस्कुत में इतनी खामोशी हो गई कि नाकों की जो गले में घंटियां पड़ी थी उसकी आवाजें भी बंद हो गई, घोड़ों के हिनहिनाने की भी आवाज नहीं आती थी। और उस वक्त भी अरे जिस परवरदिगार ने ज़ैनब की आवाज तक का पर्दा कर दिया कि लहजा अली में आज खुतबा दे रही है, वो उसको चादर भी दे सकता था, मगर मुसलमानों में से कोई एक ना आया कि उसको चादर दे सके। अरे रसूल का कलमा पढ़ने वाले उसको चादर नहीं दे रहे थे। जब वो ईसाइयों की बस्तियों से गुजारा गया, ईसाइयों की औरतों ने ये आलम देखा छत से, और वो आके कहने लगी अरे किसकी बीबियां हैं, इनके ये आलम क्यों है, मुसलमानों से पूछ रही है किसकी बीबियां हैं, तुम इन्हें इस तरह क्यों लेके जा रहे हैं कैदी बना के। उन्होंने जवाब दिया ये मोहम्मद की नवासियां हैं, उनका जो आलम हुआ कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अपने नबी दादियों को ये हाल में लेके जाते हो। वो बीबियां भी चादर ले आई, ईसाई की बीबियां चादर ले आई कि इन्हें चादर उड़ा दो। वो सिपाही चादर नहीं देते थे, कहती थी कि हम यहाँ से इस तरह नहीं गुजरने देंगे, हमारे सामने से नंगे सर ना लेके जाओ, इन्हें चादर उठा दो, उसके बाद तुम जो चाहे करना। फिर वो पूछ रही है कि तुमने भी किस जुर्म में गिरफ्तार करा है, और ये इतने सारे सब तुमने किस लिए कत्ल किया है। उन्होंने जवाब दिया ये बैत नहीं करते अमीर की। और फिर एक बीबी ने एक नन्हे से सर को देख कर कहा ये बता क्या ये भी बैत नहीं करता था, अभी तो शायद इस शीरखान में माँ कहना भी नहीं सीखा होगा। जिसने आज हमें ज़ियारतों से रोक रखा, हमें अगले साल बेहतर से बेहतर मुहर्रम मनाने के लिए फुर्सत अता फरमाई। जो जो भी यहाँ पे राज मौजूद हैं, जो जो भी जहाँ देख रहे हैं, जायज हाजात को पूरा करना, उन माओं के सब के महबूब जिनकी औलादे अपने औलादों को नेक साल औलाद बना होता है, साबिरा बीबी मलिका है तो साबिरा सबके महबूब हम सबको सब होता है, इस मौलिम अगर मौलिम के सर पे मालूम हमें अभी मुबारक इजाफा करना, हमारी इस फकीर सी कोशिश को